Assalamu alaikum everyone, I am Shehzad Sheikh. I'm coming to Canada, Toronto on the 24th of September for the 8th Hum Awards happening at the First Ontario Centre. So book your tickets right now and you'll get a chance to see your favourite stars and myself. See you guys there. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे आप लोग अभी तक क्या हैं? जाएं अपनी टिकट्स बुक कराएं. जन्नत ले टिकट है मेरे पास. अरे जानी जन्नत लेके जा रहे हो? हाँ जन्नत लेकर जा रहे हैं तुझे. चल गुड़िया तो मिलेगी ना वहाँ. अगर नहीं मिली तो मेरा वजन टूटेगा. कम है तो क्यों कम है? तो महंगाई नहीं देख रही? तो मोबाइल कार्ड पे पैसे कट रहे हैं. गैस बिजली के बिलों में कयामत मची हुई है. अब तू भी तो इसी मुल्क में रहती है. कौन से आसमान से उठी? डॉक्टर से नहीं तो एहसान मान मेरा, ये नर्स से डॉक्टर बना दिया. ना मेरे कूले की हड्डी टूटती, ना तुझसे मुलाकात होती, ना आग मड़क का लगता और ना तू आज डॉक्टर बनती. नहीं समझ आ रहे ना? वापस कर दे. मेरे पास बड़े ऑप्शन है. तू नहीं और सही, और नहीं और सही. तो मेरी अम्मा बिल्कुल ठीक नफरत करती थी गरीबों से. कहती थी कि एक कमबख्त फौरन अपनी औकात दिखा देते हैं. जिनके पास कल तक बस के टिकट के पैसे नहीं थे, आज अपनी गाड़ी में घूम रही है. पप्पी मुझसे ज्यादा गाड़ी मत करिए, शमीम बता रहा हूँ. जिस दिन तेरी ऑपरेशन की वीडियो फेसबुक पर डाल दी ना, सेंट्रल जेल में चक्की पीस रही होगी अपनी इन चमकियों के साथ. खुश हो रही है और तू देखो मैं तुझे सही कर दूंगी. टीमें बना दूं, कुत्ते के आगे डाल दूंगी तुम दोनों को. मैं डॉक्टर साहब बड़े मजे का बन खबर था, एक एक और हो जाए. मैं तो तुम लोगों को यहाँ मीटिंग के लिए लाई थी.
तुम लोग तो ऐसे कर रही हो जैसे बन कबाब खाने के मुकाबले में आई हुई हो। फिर क्या सोच रहा फिर आपने? मुझे भी। मैंने फैसला कर लिया है, अब तब्दीली आएगी। जिसने तब्दीली की बात की समझो कबाड़ा किया। अरे गया पप्पी गोल्डन का टाइम, सारे काम करें हम, किडनियां निकाले हम, और ऐश करें ये बेगैरत। ऐसा नहीं चलेगा, अब ये बिजनेस डॉक्टर शमीम करेगी खुद ही। उनके बंदों को तोड़ूंगी मैं, और ऐसी तीली लगाऊंगी ना कि राख का ढेर नजर आएगा पप्पी गोल्डन। मार्केट में नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया है, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगी? बस डॉक्टर साहब एक ठंडी बोतल भी मंगा दे। गरम गरम चांटा ना लगा दूं तुझे, मेरा भी बन कबाब खा गए हो तुम तो, बम बन जाओगे तुम लोग। कहीं जा रही हो मम्मा? तेरे मामा ने ना खाने पे बुलाया तेरे पप्पा को और मुझे, ये बड़े वाले होटल में। खाने के लिहाज से कुछ सादा तैयार होके नहीं जा रही? आई ताज पहन लेती हूँ। हाँ उसमें मेरी मामा की शान ही बिल्कुल अलग लगती है, बिल्कुल कोई की मलिका। अच्छा मोंटी, तेरे मामा है ना, वो चाहते हैं कि तेरी शादी छन्नो से हो जाए, और तू जानता है तेरे मामा कोई मामूली आदमी नहीं है। अब मेरे बच्चे कराची, दुबई, लंदन, क्या शान है, क्या धूम मची हुई है मुश्तियाक निहारी की। लंदन में तो गोरे डॉलरों में टिप देते हैं, और मुश्तियाक भाई ने ये बड़ा सारा फिलेट लिया है, अब बोले थे छन्नो और तेरे नाम कर देंगे वो भी। अम्मा मेरी, तुम्हें पता ही है कजन मैरिज से कितने नुकसान होते हैं। अगर मामू की बेटी, चाचे की बेटी या ताई की बेटी से शादी कर लूंगा ना तो बच्चे अपाहिज पैदा होंगे। अरे बच्चे अपाहिज भी पैदा हुए तो क्या, इतना पैसा भी तो मिलेगा वो कुछ नहीं। अब मुश्तियाक भाई की निहारी की दुकानों की आमदनी का अंदाजा है तुझे? उन्होंने मुझे पक्का पक्का कह दिया है कि जुबेदा तू मोंटी और छन्नो की शादी करा दे, फिर मैं तुझे एक पलड़े में रखूंगा, एक में तेरे वजन के मुताबिक सोना डाल के तुझे तोहफा दे दूंगा। तुम्हारे वजन जितना सोना ना पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। मम्मा मेरी प्यारी, मम्मा मेरी अच्छी मम्मा, मुझे भी शादी नहीं करनी। चल छोड़ मुझे, जानती हूँ मैं तू कितना बदमाश है, तूने कितनी गर्लफ्रेंडे बनाई हुई है। तू छन्नो से शादी के लिए हाँ कर दे, ये साइड में गर्लफ्रेंडे भी रख लीजो। आई वैसे भी गरीब घर की लालची खूबसूरत लड़कियों की कौन सी कमी है, शादी के बाद भी तेरे पीछे दौड़े लगाती फिरेंगी। बस अब एक लफ्ज और नहीं, तेरे पप्पा ने और मैंने मुश्तियाक भाई को जबान दे दी है, ताज महल के आ रही हूं। एक तो इन लोगों की जुबानें। बिल्कुल बक रही थी, गाय लग रही थी बूढ़ी। पप्पी ज्यादा तंग करने की जरूरत नहीं है, मैं टांग पे टांग रख के चीर दूंगी, मेरा तवा लगाया तो। हाँ रुपया पैसा आ गया, तमीज ना है तेरे अंदर, शौहर से कौन तू तड़ाक करके बात करता है? जब शौहर तू तड़ाक करके बात करे तो बीवी भी इतनी गई गुजरी नहीं है जो आप जनाब से बात करेगी। खैर से मुश्तियाक निहारी वालों का पूरी दुनिया में धूम मची पड़ी है, और जो मेरा भांजा है ना उसकी शादी हो रही है हॉलीवुड की गोरी से। भाभी बता रही थी इस्लामी नाम उसने समीना परवीन रखा है। तेरे भाई की होने वाली बहू जिस तरह की अंग्रेजी फिल्मों में काम करती है ना,
रहने दे मेरा मुंह ना खुलवा। तुम लोग तो हो ही बेगैरत। कहाँ जा रही है? मेरे भाई क्या खाने पे जा रहा है एहसान फरामोश, और मेरे खानदान को बेगैरत कह रहा है। तेरा बिजनेस तेरे को किसने सेट करा के दिया? मेरे बाप और भाई ने। इम्प्रेस मार्केट में कुत्ते बिल्ली के गोश्त का हलीम बेचने वाले हलीम फरोश। मैं हीरोइन फरोश से तो अच्छा है ना हलीम फरोश कह रहा ना। मैं कम से कम रिस्क हलाल तो कमाता था। चंद सौ कुत्तों का खून जरूर है मेरे खाते में। अगर लोगों को तो आ जाता गोश्त खाने की, बस गोश्त हो जो मिलेगा खा जाएंगे। कुत्ता बिल्ली अपनी खा रहे, अपनी खा रहे गधे का गोश्त। आई है पप्पी डार्लिंग, देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो, उल्टी आ जाएगी। और हाँ, रिश्ते की बात पक्की करके आना, समझे? बस तेरा बेटा तो मेरी गुर्दे निकालने वाली डॉक्टर शमीम की लौंडिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। उस पहले उसकी माँ ने तुझे फंसाया, और अब उसकी लड़की मेरे लड़के को फंसा रही है। मैं मोंटी को भी कत्ल कर दूंगी और उस लड़की को भी, समझे? और अभी क्या घूर घूर के देख रहा है? बुढ़ापे में आकर तेरी शक्ल हूबहू तेरे अब्बा जैसी हो गई है, तभी नजर डालने का दिल नहीं चाहता मेरे ईमान से। तो तुम भी तो अपनी अम्मा की शक्ल के हो गए, फिर भी गुजारा कर रही हूँ ना। अच्छा जी, तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत लगी। खूबसूरत कहूंगा तो झूठ होगा, मगर तुम क्यूट हो। मेरे घर वाले कहीं गए हैं। अगर तुम्हारा मूड है तो सीव्यू चले। अब हाँ चलो, लेकिन प्लीज तुम मुझे घर से पिक कर लेना, मैं तुम्हें अभी व्हाट्सएप पर लोकेशन पिन सेंड करती हूँ। तुम कहाँ रहती हो वैसे? मैं खारादर में रहती हूँ। खारादर? क्यों, तुम लोग इतने वेल ऑफ नहीं हो क्या? पैसा तो बहुत है, मेरी माँ के इस इलाके से बहुत यादें हैं, बस इसीलिए वो ये इलाका नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा अच्छा सुनो, तुमने क्या कभी बाकरा होटल की दाल फ्राई खाई है? बाकरा? नहीं तो। लो, इसका मतलब तुमने कुछ नहीं खाया। तो हम पहले बाकरा होटल से दाल फ्राई खाएंगे, उसके बाद सीवीओ जाएंगे। ओके, मैं अभी आया। ओके, मैं जल्दी से रेडी हो जाती। बाय। मैं तो कहता हूँ मियाँ बीवी के रिश्ता 3 साल से ज्यादा होने नहीं चाहिए। 3 साल बहुत होते हैं बर्दाश्त करने के लिए। वैसे भी उस दिन जुम्मे के खुदने में मौलवी साहब कह रहे थे कि तमाम पैसे वाले मर्दों को चाहिए ये गरीब जरूरतमंद लड़कियों से निकाह करें ताकि सवाब मिले। ठीक कह रहा है, फिर ऐसा करती हूँ मैं तेरा निकाह माँ से सुगरा से करा देती हूँ। आई नहीं तो वो है ना, वो जो बल्दी टाउन से मेरी मालिश करने आती है झापड़ी, उससे। मौली साहब ये भी कह रहे थे कि मुस्तहिक लड़कियां वो वाली होनी चाहिए जो खुशकल हो, ताकि अल्लाह मियां औलाद भी खुशकल दे। ओहो, यानी कि नया खूबसूरत मोमिन लाने की प्लानिंग हो रही है पप्पी के बच्चे। ज़रा थूक उड़ा के बात नहीं किया कर, कहां से बोल रही? किसका है? हेलो, कैलिप्टन थाने आओ, तुम्हारा बेटा हमारे तहवील में है। वो किसी लड़की के साथ नाजेबा हालत में पकड़ा गया, जमानत करना भी मुश्किल लग रही है। बेटा लगता है तुम उससे वाकिफ नहीं हो। मिठू भाई, एक सिगरेट तो मंगवा दो यार। अरे क्या हुआ? मैं भाई पुराना किस्सा, लड़का लड़की सीबीओ पे, पुलिस की आमद, लड़का लड़की थाने में। आई कौन कहता है कि इस मुल्क में तब्दीली आ रही है? वही हाल है जो 30 साल पहले था, वही आज भी। याद है तुझे जब तुझे और मुझे पुलिस वालों ने सीवीओ पे पकड़ा था? कैसे कस कस के तेरे मुंह पे चाटे लगाए थे। हाय, उस वक्त तो मेरे दिल को ना बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब याद करती हूँ ना तो कसम से बड़ी ठंड पड़ जाती है। हाय, कैसे तेरा मुंह टेढ़ा हो गया था ना 3-4 महीने तक। वहां बैग से मौत आ रही थी तुझे। भेड़ो भेड़ो। हाँ भाई डॉक्टर साहबा, कराची के सारे रोंचियों को एक गुर्दे का कर दिया तुमने। अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैंने तो वही किया ना जो मुझे कहा गया। काढ़े घेबी का एक उसूल है,
काम मेरी मर्जी का, पैसे तुम्हारी मर्जी के। मेरे वो सब पता है, वो एक गुर्दे के कितने पैसे दे रहा है तुम्हें। मैं 30% ऊपर दूंगा, 50 गुर्दों का ऑर्डर लगा हुआ है, 10 दिन में डिलीवरी देनी है। चल 50% कमीशन, आधा तेरा आधा मेरा। 50 गुर्दों में 10 दिन, नहीं 50 बहुत होते हैं भाई। नहीं बस हाँ कर दो, हो जाएगा बंदोबस्त, अल्लाह बनाएगा वसीला। ठीक है कुछ करती हूँ, मगर अगर थोड़ा सा एडवांस वगैरह मिल जाता तो। अबे थोड़ा क्या, 50% काम से पहले, 50% काम के बाद, यकमुश्त। लिया ना, तू भी शाखा बननी है, खड़े हो गए। थैंक यू। मैं एक रही हूं। कुछ बंदे मैं दे दूंगा तेरे को, कुछ का बंदोबस्त तू कर लियो। शिकारी तो तू है डॉक्टर शमीम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो, आ रही हूँ। अलैकुम अस्सलाम। यार कुछ ले दे के जाने दे यार। ये तूने क्या किया, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, ये क्या किया चंचल, क्या किया तूने बता। ये ज्यादा सभी खाना बनने की जरूरत नहीं है, इज्जत का जनाजा क्या होती है इज्जत, हैं? सबसे सस्ती चीज एकदम दो। वैसे इंस्पेक्टर है तो बड़ा खूबसूरत, बिल्कुल मर्दाना वजाहत की शाहकार। Thank you.
गुलाम बशीर शेखी तू जल्दी आ जाए तो तेरे को चढ़ने होता है मैं इतना टाइम लगता है। आई वो तो ठीक है ये बताओ कि बाल खुले ना छोड़ दूं ज्यादा अच्छे लगेंगे। आने में जा रही है तू अपने अब्बा जी के वली में? मैं नहीं जा रही। तो वहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो आई हुई होगी, क्या नाम है? शमीमा रा फटा करारा। अरे अब काहे की गर्लफ्रेंड, बुड्ढी हो गई है तो खाली मेरी उसके साथ प्रोफेशनल डीलिंग है। आ जा जल्दी आ जा। ये मोंटी गोल्डन को भी ना बचपने से गटर में गिरने की आदत है और आज जवानी में भी ना वहीं गिरा है। ये बिल्कुल नेचुरल है, मर्द तो पैदा ही इसलिए हुआ है ना कि रंगरलियां मनाए। मेरा बेटा नॉर्मल मर्द है तुम्हारे भांजे भतीजों की तरह नहीं कि शादियों में सुर्खी पाउडर लगा के नीचे फिसलते हुए पद्दू ने पहल के डांस फ्लोर पे तवायफों की तरह ठुमके लगा रहे हैं। सब कुछ छोड़ो, ये बताओ बाल खुले ठीक है? ताज उतार दूं? उतारना उतार दे, चल अंदर चलो चलो। मोंटी, ए मोंटी, मोंटी गटर बगीचे फूलों की ना ना खुशबू होती है ना रस। पहले इसकी माँ ने तेरे बाप को घेरा और अब तू तेरे बाप के इश्क की वजह से ही ना ये पागल खाने की नर्स से किडनी स्पेशल बनी है। जाहिल किडनी स्पेशल। मैं तो ये कहती हूँ कि जाहिल होने से बड़ा ऐब है गरीब होना। कौन गरीब है? 50 लाख रुपए रखे और 50 लाख 2-3 दिन में और आ जाएंगे। आजकल तो पैसा ही सबका ईमान बन गया भैया। ये शम्मो, ये कोड़े में कहाँ से आए तेरे पास? This is not your problem. तू तो अपनी मोटी बीवी की जूतियाँ सीधी कर पप्पी। खबरदार जो इसे पप्पी कहा तो। क्यों? मैं तो कहूंगी ये नाम भी तो मैंने ही दिया था इसको, और जब दिया था उस वक्त बड़ा प्यारा था ये, अब तो इसका मुंह भी इसके पेट से बड़ा हो गया है। मुझे भी तूने गुलाम बशीर से शेखी बना दिया था। ए बात सुनो, लगता है नैना है वो इस थाने में। अभी हुई है मीरपुर खास से पोस्टिंग में। जबी पप्पी गोल्डन से वाकिफ नहीं हो क्या? छोड़ इस बात को, ये बताओ मेरे बेटे को छोड़ने ये कितने पैसे लोगे? भाई साहब, आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात इन सारे लोगों के सामने कर दी। आइए ना बाहर चल के बात करते हैं। आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है मोबाइल पे इस तरह की बातों की, अलग से चल के करते हैं ना इस तरह की बात। अच्छा आए ना, अलग से करते हैं बातें। आइए आइए। छोड़ दे मेरे घर को, डैन भी ना साथ घर छोड़ देती है। मगर ये तो डैन का फॉल्ट है ना। हाँ भाई, अब बताओ क्या खिदमत किया है तुम्हारी, क्या औकात है? मेरा मतलब है हदिया क्या पेश करूं? हदिया तो मैं पेश करूंगा तुझे। देखो भाई, ये तू तड़ाव नहीं करो, मेरी बहुत हटती है। अच्छा हटती है, पहले बताना था। ए बारह जगह दे थोड़ी, हटती है। मेरे लाल, मेरा मतलब है पप्पी डार्लिंग, ये तुझे किसने 2 मिनट में काना दज्जाल बना दिया?
जिस दिन मैंने पुलिस ज्वाइन की थी ना, उस दिन से मैंने अपने ज़हन में ठान ली थी कि पुलिस की इज्जत बढ़ानी है। अब वो दिन गए कि चाय की प्याली पे अपना ईमान बेच देते थे। नहीं नहीं ना, अब ऐसा नहीं होता। और ये जो कपल्स हम पकड़ते हैं ना सीवीओ से चाम चमैया करते हुए, अब उनके साथ 5,000 रुपए में मुकमुका नहीं होता। अब डील शुरू होती है 1,00,000 रुपए से और खत्म होती है 1,50,000 रुपए पे। क्या समझे? अब तुझे 1,50,000 चाहिए थे तो मुझसे कह देता मेरी मरम्मत क्यों करा दी। मुझे ना फिल्मों में एक ईमानदार पुलिस वाले का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है। अब मुझे तो फिल्में मिलने से रही तो वो सारे शौक मैं यहीं पूरे कर लेता हूँ। कैसा? अब मिस्टर मंगल है ना, तूने चले गया, तू जानते नहीं मेरे ताल्लुकात को। पुलिस का किसी ने क्या बिगाड़ना है, जो बिगाड़ना है हमने खुद ही बिगाड़ना है। शमीम, मेरी बात तो सुनो। तुम वो क्या चीज़ा? दोस्त की फटीचा मोटरसाइकिल पर बैठकर खुद को $6 मिलियन में समझते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। और एक बात याद रखना गुलाम बशीर शफी, जो लड़का किसी लड़की को काबू नहीं कर सकता, दुनिया उसकी तिक्का बोटी बना देती है। और तुम्हारा तो वो हशर होगा, तुम देखना, तुम चूजे थे और चूजे ही रहोगे सारी जिंदगी। चूजा नहीं हूं मैं, समझी? समझ आया? आय हाय, ये तो खासा नफ्सियाती पुलिस वाला लग रहा है। चल चल, लेके चल इन्हें घर। चलो निकलो निकलो। हट, चलो। चलो सब गाड़ी में जाके बैठो, चलो निकलो। शाबाश। मर्द औरत के साथ बेवफाई करे तो ये उसका हक है, और अगर औरत बेवफाई करे तो तुम अछूतों की तरह क्यों ट्रीट करते हो उसे? शमीम, तेरे बाद ना मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सका। हाँ, दोस्तियां मुस्तियां की हैं, ये फ्लर्ट छलर्ट, लेकिन तेरे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता था मैं। अरे मेरे तो मोबाइल में भी वो बेवफाई के गानों के रिंगटोन लगी हुई होती है। जब मीरपुर खास से चला था मुझे क्या पता था कि तुम टकरा जाओगी, लेकिन अब मैं कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझसे बेहतर था जो मिला था मुझे, फोकट का नहीं था, कमाता धमाता था, कभी तरसाता नहीं था चाय कोल्ड ड्रिंक टिक्के बन कबाब के लिए। शमीम, तो अपने मसले देख क्या थे तेरे, कोल्ड ड्रिंक चाय, क्या बातें कर रही है तू? अगर मैं उसकी तरफ बढ़ गई तो तुझे क्यों आग लगी, ये बता। उस वक्त कुछ बन जाता, कमाता धमाता, तो मैं भी यही सोचती कि ठीक है जिंदगी तेरे साथ गुजर जाएगी। एक तरफ तुम जैसे मर्द कहते हैं कि औरत नाकिसुल अकल है, अगर औरत ने अपनी अकल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी तो तुम जैसों के छक्के छूट जाते हैं। जा, जो करना है कर ले, कम से कम इतना तो एहसान मान मेरा, गुलाम बशीर जैसे दकिया नूसी नाम की जगह मैंने तुझे इतना मॉडर्न नाम दिया शेह की। हाय, 80 की दहाई में मुझे मोहम्मद अली शेखी की शक्ल और उसके गाने कितने अच्छे लगते थे, मैं मरती थी। दिल दीवाना तेरा एक नजर में, बना परवाना तेरा एक नजर में, वो तेरा प्यार मिला जैसे संसार मिला, सारा संसार मिला एक नजर में। लई 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 ला 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 लई 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 ला 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 लई। जालिम की आज भी वही अदा है। शेखी भाई, एक सिगरेट तो मंगवा दो यार। अच्छा बेटा, किस तरह की सिगरेट पिएगा, बता बता। शेखी मैं सिगरेट ही तो मांगी है मैंने। सिगरेट मांगी तूने? अबे तो सिगरेट ही मांगी जा रहा है, कुछ और भी मांग ले हमसे, वो भी ला देंगे हम तेरे। चल पीछे हट।
आखिर तुम चाहती क्या हो मारिया? जानती हो इस घर में क्या कुछ हो रहा है? अगर मुझे नहीं पता है कि इस घर में क्या हो रहा है, आप मुझे बता दें क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि असद वापस आ रहा, तुम्हें घर पे होना चाहिए था। चलो ठीक है, तुम घर पे नहीं थे, लेकिन अब जिंदगी तबाह करके रख दी है इन केबल वालों ने, रोमांबी ड्रामों ने, औरतों और लड़कियों की। मेरे जानी दुश्मन का बेटा है वो, उसके लिए आंसू बहाएगी तू? अम्मा तुम ये अच्छा नहीं कर रही, और तुम्हारी वो जासूस, मैं उनका खून पी जाऊंगी और मैं बन जाऊंगी मुगले आजम के अकबर आजम, और अपनी चलाऊंगी, जो करना है तू कर ले। अम्मा मुझे मेरा फोन तो मुझे नहीं पता। अरे इसी फोन ने तो तबाह किया है तुम जैसियों को, इसी पे सेटिंग होती रहती है तुम्हारी। देखो अम्मा तुम सख्ती नहीं करोगी ना तो शायद मेरी मोहब्बत दब जाए, भरपूर से ना निकले, लेकिन तुम जबरन ये सब कुछ करोगी तो यही तुम्हें ले डूबेगा। देख लो सारी लव स्टोरियां निकाल कर, माँ बाप की गलत पॉलिसीज की वजह से परवान चढ़ती है। अम्मा अपनी पाबंदियां हटाओ, फिर देखना मेरी शिद्दत भी खत्म हो जाएगी और मोहब्बत भी। बस बस ज्यादा भाषण मत दे मुझे, समझी? मुझे सब पता है तेरी इन बातों के पीछे का मकसद। ये जो जनरेशन गैप होता है ना, यही गंद करता है। तुम्हें पता ही नहीं है आजकल के बच्चे चाहते क्या है, तो तुम खाक मेरे फीलिंग समझोगी? क्या हुआ, पीछे क्यों जा रही हो, आगे आओ ना, बोलो। बकवास कम कर, जा वजू कर और दो रकात नमाज नफिल अदा कर, दिल भटकने से बच जाता है। और ये केबल वेबल सब बंद आज से, टांगे फोड़ दूंगी, किसी ने केबल का तार लगाने की कोशिश की। अरे अब्बा बस भी कर दो यार, आप ही ने कहा था कि लड़की सेट करो और बाप को भी करा के दो। अच्छा तो ये टी ट्रेनिंग दे रहे हो अपनी औलाद को? अरे बदबख्त वैसे जो मेरी जिल्लत हुई है, उस दो टके के पुलिस वाले ने ऐसी ऐसी जगह मिल, खैर हाथ बढ़ाने की हिम्मत थी उसकी, वो तो मैं खुद ही चकरा के गिर गया ना तो आग भी लग गई। ये क्या थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम अपनी अम्मा की तरह बयान तब्दील करते हो? मरहुमा एक नंबर की झूठी औरत थी, कैसे मुझ पर 2.5 लाख की चोरी का इल्जाम लगा दिया है, जबकि मैंने सिर्फ 15-20 हजार रुपए चोरी किए थे, और वो भी घर के खर्चे के लिए। अब मुर्गा बन तो रहा हूँ। शर्म नहीं आती जवान औलाद को मुर्गा बनाते हुए? अरे मेरा बाप तो इसकी पैदाइश के बाद भी मुझे ऐसे ही मुर्गा बनाता था, मेरी मजाल ना हो कभी उसको जवाब देने की। अब तो मैं वही करूँगा बेटा, खिलाओ सोने करने वाला और देखो शेर की निगाह से। एक शर्त में माफ करूंगा कि आइंदा उस लड़की का ख्याल भी तेरे दिल में नहीं आना चाहिए। देखो अब्बा मुर्गा बनने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन इसको छोड़ने के बाद अब मत करना। पहली बार तो ऐसा लग रहा है मोहब्बत कर रहा हूँ, वरना इससे पहले लगता था कि सड़क क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे बनाऊ तुझे भी। आई मेरा बच्चा। और जिसने अक छीनने की कोशिश की ना पप्पी गोल्डन, उसकी सांसें छीन लेगा। तेरी बदबूदार सांसें छीनने के लिए तो पहले पप्पी गोल्डन को अपने दोनों नथनों को एलफी डाल के बंद करना पड़ेगा। एक तो जब भी यहाँ से गुजरो तेरी ये मनुष्य मकरू शक्ल देखनी पड़ती है। निकल यहाँ से। चल बे।
कौन है? मैं यतीम बेसहारा औरत हूँ। इतनी उम्र रसीदा हो गई है, अभी भी तुझे माँ बाप चाहिए। मैं बेवा भी हूँ। ले भाई, बेवा होने की क्वालिटी तो ऐसे बता रही है जैसे ये भी कोई इजाफी खूबी हो उसकी। वो दो गली छोड़ के कुरान पढ़ाने वाली बाजी है ना, उन्होंने बताया था कि आपको काम वाली की जरूरत है। चल दफा यहाँ से, भीख मांगने के बहाने हैं सारे। इधर आ इधर आ इधर आ, ये होठों पे तूने बटक्स कराया है। ओहो, वो तो सारी रात मुझे मच्छर काटता रहा, तो फूल गए होंगे ना। कुकू शैला, अजाब पा लिया मैं तुम लोगों को घर में रख के। ये औरत कौन है? कौन है भाई तू? उई भामी, देखो कितनी बारीक बनाई हुई है इसने। कौन है तू? काम करने वाली है? एक्शन से तू नहीं लग रहा। ये फकीर ने की बच्ची, तेरी कमर से क्यों लेकर आ रही है तू? फिल्मों में तो नहीं जाना तुझे। ना मैं फकीर नहीं हूँ ना नौकरानी, मेरा नाम दुर्दाना है। वैसे पूरे भीमपुरे में मुझे फप्पे कुटनी के नाम से जानते हैं। वैसे फीचर से तो फप्पे कुटनी लग रही है, नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा तेरा। मैं तो बस दुखों की मारी बेवा हूँ। देख लो, ओहो देखो, मैनी क्यूरीन करा कर आ रही है। नहीं, मैं पोलर में काम करती थी, पोलर वाली बाजी ने जबरदस्ती करा दिया और फिर कहा कि सच सबर कर, हाजी साहब के पास बोल्टन मार्केट चली जाओ, वो हाथ थपथपाएंगे। और मैं तो भाग ही गई वहां से। मुझे अपने घर में रख ले, आपका बहुत एहसान होगा। सानी उमर आपको और आपकी औलादों को दुआएं दूंगी। बाजी प्लीज। ओए, ये बाजी किस खुशी में किसको कह रही है? एहतरामन कह रही हूँ। अरे एहतरामन कहना है तो बेगम साहिबा कह। अच्छा ये बताओ कि ये झाड़ू बर्तन पोछे कामों के कितने पैसे लगे? कामों का सुनकर रोने लग गई। बेगम साहिबा, मैं बांज भी हूँ। ये देखो एक और क्वालिटी, यतीम बेवा के साथ साथ बांझ भी निकली। मैं लावारिस भी हूँ। लावारिस तो अमिताभ बच्चन था। ए, बनकर अपना सर्कस यहाँ। बाजी, बस मुझे दो वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए एक जगह चाहिए, और मैं आपसे एक रुपया नहीं लूंगी। मेरे शोहर की मौत के बाद बड़े भाई ने आंखें माथे पर रख ली और भाभी चिमटे से मारा करती थी। तो तेरे करतूत ही ऐसे होंगे ना भाई। अच्छा पैकेज लावारिस बेवा का, तरस खा के रख रही हूँ, मगर खबरदार जो यहाँ कोई चांद चढ़ाया हो, समझी? माँ जी, मुझे तो मर्दजात से नफरत है। उन जलीलों के लिए तो वही औरतें अच्छी होती हैं जो खा पी कर चाट कर लात मार कर आगे निकल जाएं। कुकु शैला जी। बाजी, बाजी ये वर्किंग लेडी को अंदर लिया। चलो भाई। ta
सकती हूँ। हालांकि मेरी सारी फ्रेंड ने कहती कि मैं शक्ल में तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ, मुझे तो तुमसे ज्यादा अच्छे लड़के मिल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कोई लड़का होगा जो मेरी तरह ये सोने की चेन्स और डिफरेंट एक्सेसरीज पहनता होगा? क्या फायदा ऐसे सोने का जिसे सारी दुनिया दो नंबर समझे। देख लो, पुलिस वालों ने भी जब हमें सीवीओ पे रंगे हाथों पकड़ा था, वो भी यही कह रहे थे कि देखो जरा इस पागल को, इतना जाली सोना पहनकर खुद को बप्पी लहरी समझ रहा है। कि तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? अब नहीं बेबी, अब मैं तो मजाक कर रही हूँ। तुम्हें पता है अम्मा ने ना मेरे सर पर उन दो मोटी औरतों को चौकीदारी पर लगा दिया। तुम्हें पता है इतनी मुश्किलों से अम्मा के कमरे से फोन पार किया है मैंने। अच्छा मेरी चंचल, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ना सिर्फ एक नजर देखना चाहता हूँ। तुम ना टेरेस में खड़ी हो जाना, मैं तुम्हें एक नजर देख लूंगा और मेरी आने वाले सारे दिनों की प्यास बुझ जाएगी। अरे अल्लाह, तुम कितने रोमांटिक हो। अच्छा ऐसा करना, ठीक एक घंटे बाद तुम यहाँ आ जाना, और प्लीज टाइम की पाबंदी करना, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। बेफिक्र रहो मेरी जान, मेरा सोना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांस ले रही हो, सांस। हेलो, हाँ चूरन, मैं डॉक्टर शमीम। अबे एक आदमी नहीं जुड़ा तुमसे, बताओ भला। 50 किडनियों का टारगेट है एडवांस मांगते वक्त तो ये मुंह फाड़ के आ गया था तू कि बाजी फिकर नाट, किडनियों का ढेर लगा दूंगा। कहाँ है भाई किडनियों की ढेरियाँ? वहाँ वो पप्पी गोल्डन के यहाँ जब तक थी ना मैं, रोज की 8-10 किडनियाँ हो ही जाती थी। तुमने तो बिजनेस की वाट लगा दी। अरे आपा, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। ये पप्पी साले ने जब से पुलिस को अपने साथ मिलाया है, हम जहाँ भी जाते कार्रवाई करने उसके पंटर पीछे आ जाते हैं। वैसे आपा एक बात बोलूँ, कमीशन बढ़ाना पड़ेगा। मैंने भी अपनी एक नई टीम बनानी है, खेलने कूदने वाली, मारने मूरने वाली। अबे मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ तुम लोग। हाँ तो आपा वहीं जाएंगे इंशाल्लाह, तुम भी और हम भी। इन कामों के बाद जन्नत तो मिलने से रही। हालांकि हूरे देखने का मुझे बड़ा शौक है आपा। बकवास बंद कर।
मुझे समझ नहीं आ रहा ये जगह जगह गमले क्यों लगा दिए इसमें। और ये सनी प्लांट की वजह से ना डेंगू फैल जाता है, ये यतीम बेवा तो मरवाएगी हमें। वैसे इसका नाम बड़ा अच्छा सोचा है तुमने, यतीम बेवा। मैं तो आज से ऐसे इसी नाम से पुकारूंगी, यतीम बेवा उर्फ मांझ। वाह 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 भाई शाबाश भाई, माशाल्लाह ये तो लग नहीं रहा कि वही घर है, नक्शा ही बदल दिया तूने तो। ये देखो क्या गुलो गुलजार कर दिया घर, ये मोटी और तू मीसनी जो हम वजन खा खा के कट्टे बनी हुई हो ना, मेहंदी लगा के हाथों में, देखो सीख सी लड़की है सलाई सी, क्या कर दिया घर को भाई। वाह माशाल्लाह, क्लैप करो, क्या मरी मरी क्लैप कर रही हो, क्लैप करो भाई, तुम्हारी इतनी उम्दा कारकर्दगी पर मेरी तरफ से पार्टी फ्री। वाह 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 क्या बात है भाई। मोंटी बेटा तू तैयार नहीं हुआ, तेरे मामा ने इतनी बड़ी पार्टी रखी है। अबे तेरे मामा की वो हॉलीवुड वाली बहू भी आ रही है, मैं तो सो रहा चड्डी मुंजान पहन के चला जाऊंगा, खुश हो जाएगी बेचारी, इन तेरी अम्मा ने मुझे कपड़े पहना दिए। आई मैं खुद इतने सादा कपड़े पहन के जा रही हूँ ताकि उसको पता चले कि पाकिस्तानी औरतें सादे लिबास में कितनी मशरकी और पाकीजा और खूबसूरत लगती है। पाकीजा खूबसूरत? अबे तुझे अगर कोई खूबसूरत कह देना कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आई तेरे समझ में आ गया ना, तू समझा दे मेरे को। मैंने तो अंग्रेजी जमान का बायकॉट किया हुआ है, अब चीनियों को देखो ना, ये चाव प्याव म्याव करके कहां से कहां पहुंच गए। मैं कल गया था एक रंजुलन एक शादी पे, लड़की अपनी काठियावाड़ी गुजराती और लड़का चाइना का। बड़ा ही ना पायदार होंगे चाइना के दूल्हा, चाइना के सामान की तरह। अरे मम्मी पापा मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाओ। हम मना रहे वो शमीम की लौंडिया का, मैं अभी उतारूंगा जूता, बेल्ट से तेरी खाल उतार दूंगा। अरे क्यों मूड खराब कर रहा है मेरे बच्चे का, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, गैस दिमाग पे चढ़ जाती है इसके। अच्छा बस बस जरा साइंसदान ना बन। अरे पेट की गैस की बात कर रही हूँ। बात सुन ले भाई, एक घंटे में मामू क्या पहुँच, वरना टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। मैं भी पर क्या बात है, जादू है तेरी उंगलियों में जादू, पता नहीं कब की थकन घुसी हुई थी पैरों में, अल्हम्दुलिल्लाह सारी उतार दी तूने, बड़ी अच्छी है तू और काम में तू बड़ी परफेक्ट है। अल्लाह का शुक्र है मैं हर काम में बहुत तेज हूँ। पता है मेरी एक सहेली होती थी जो मेकअप का एक्सपायर सामान बेचती थी, उसने मुझे भी दिया और फिर मैंने जाके बहुत सी जाहिल औरतों को बेच डाला, बहुत पैसे कमाए। गुड। उसके बाद मैं रंग गोरा करने की क्रीमों के बिजनेस में भी पड़ गई, ली मार्केट, लांडी, न्यू करांची, बहुत क्रीमें बेची मैंने। बस छोटी सी ये गलती हो गई बाजी, जो फॉर्मूला था ना उसमें एक तो कतरे तेजाब के भी डालने होते थे डिरम में, एक दिन मैंने आलू बैंगन में नमक ज्यादा डाल दिया बाजी, तो मेरी सास बहुत गुस्सा हो गई और मेरे नंदे और शोहर साथ मिल गए। मैं बहुत दुखी हो गई मामा जी। ये जो बार बार बाजी बाजी की जुगाली करती है ना, ये मत किया कर, ये अच्छी नहीं लगती बिल्कुल, और वैसे भी मैं छोटी हूंगी तेरे से। मेरा मतलब है बेगम साहिबा। हाँ ये ठीक है, मालिक और नौकर में ना वैसे भी फासला होना बहुत जरूरी है, इट इज इम्पोर्टेंट। बस अपने दुखीपन में बाजी मैं आपको क्या बताऊं, एक कतरे की जगह मैंने पूरी बोतल तेजाब की डाल दी ड्रम में, फिर जैसे ही एक तो केस मुंह जलने की आए मैं चीचावतनी भाग गई बाजी, उधर मेरे मामू के बेटे ने मुझे सहारा दिया, डकैत था, उसने बहुत मेरा ख्याल किया और फिर मैं मरी हुई मुर्गी के बिजनेस में डल गई, वो सप्लाई करती रही कुछ देर के लिए। बस क्या करें बाजी, ईमानदारी से कहां रोजी रोटी मिलती है। अफसोस इस बात का है बाजी कि मुझे अच्छी टीम नहीं मिली, अच्छी टीम मिल जाती तो मैं कहां से कहां पहुंच जाती। ए बासु मेरी आड़ी बनेगी,
आड़ी हाँ हाँ पार्टनर साथी जी बाजी पक्की बात है जी आप जी भाई के बाद हम भी सरफिरे से हो गए जो कभी ना था हमारा हम उसी के हो गए अच्छी लग रही है और ना इससे पहले मेरी माँ की मौत पे तूने जो रोनी की एक्टिंग की थी ना बिल्कुल लग रहा था किसी बंधनों की फिल्म का कॉमेडी सीन चल रहा है। ए पागल वागल तो नहीं हो गए पप्पी गोल्डन? मैं समझी मेरे बच्चे ने खुद को गोली मार ली है और तू इसे अदाकारी कह रहा है? माँ वो बेवफा निकली बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। सारा जरियोली का मैसेज है, गोली चलाने से पहले इसी को मैसेज किया था तुमसे दोस्ती करोगी, देखे फौरन जवाब आ गया। ओ जरी वालों की बेटी, अरे माशाल्लाह से वो तो बहुत बड़े स्मगलर हैं। वाह भाई वाह, एक गई दूसरी आई, काश अल्लाह मियां हमारी जिंदगी भी ऐसी खुशियां लिख देता, वरना हमने तो सारी जिंदगी भैंसों को तबेले में गुजार दी। क्या गाना है अमानत अली मरहूम साहब का कि कैसे गुजर गई ये जवानी न पूछिए। पापा जारा जरीवली से मिलने जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी दो ना। जा ले जा, अब बात सुन, ड्राइवर के साथ जाइयो। आई लव यू पापा। ये हैं आजकल की मोहब्बतें, इतनी जल्दी तो बुखार नहीं उतरता जितनी जल्दी ये उतर जाती हैं। अरे मैं तो आज तक अपने फूफीजाद भाई शराफत को ना भूली हैं, कैसे हर जुम्मे को सुरमा लगा के कुर्ता पजामा पहन के खुशबू लगा के आते थे और मैं उनकी बलाएं लेती थी।
यार लाइट तो ऑन करो, तुम नजर ही नहीं आ रहे, मुझे तुम्हें देखना है। वाओ, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। ब्लू इज माय फेवरेट कलर। क्या हो रहा है? कौन है भाई तू? अरे सलाम अर्ज है होने वाली सास साहिबा को, गुलाम बशीर शेखी का। गुलाम बशीर शेखी तू? बाजी काफी। टेंशन क्यों लेती हैं बाजी? अभी तो 50 किडनियां जमा करनी है। बहुत बड़ा काम है बेगम साहिबा, बहुत बड़ा काम। मरा फिकर क्यों करती है? अभी तो सिर्फ चक्कर ही चला है, कौन सा शादी कर लिया आपके साहब का बॉयफ्रेंड। मेरा मतलब है जो भी वो मनहूस होगा हमारी चंचल उससे शादी थोड़ा करेगी। मैं कह देती हूँ मैं शादी करूंगी तो गुलाम बशीर शेखी से ही करूंगी। हाय क्या पर्सनैलिटी है उनकी, क्या लुक्स है। उफ अल्लाह इतने हॉट पुलिस वाले तो सिर्फ फिल्मों में ही नजर आते हैं। ओए मैं छोड़ दूंगा बाजी, छोड़ दूंगी बाजी, क्या कर रही है बाजी, ये आपके जमाने की पागल जाहिल लड़की तो नहीं है बाजी। अगर ये पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी तो आप भी अंदर हो जाएंगे बाजी। इस पे तो दफात नहीं है। हाँ मारपीट के 523 और जान से मारने की धमकी के 506। अब तो मैं करूंगी, जरूर करूंगी। कोई मुझे हाथ तो लगाकर दिखाए। रास्ता दिखाओ उसको। माफ कर दे बाजी, गलती से ज़बान फंस। पहले तो मुझे ये बता कि ये सेटिंगें हुई कब हैं? उस दिन थाने में वो मनहूस मौजूद था, तब तो तेरे एक्शन ऐसे नहीं थे। हाय अम्मा मैं बिल्कुल सच कहती हूँ, उस दिन थाने में तो मैंने गुलाम बशीर शेखी को गौर से देखा तक नहीं था, तब तो मुझ पर मोंटी गोल्डन का भूत सवार था। काश मैं उस दिन उनकी आंखों में गौर से देख लेती तो। माँ बाप के सामने सेंसर किया करते हैं बच्चे बातें, पागल कहीं की। छोड़ दे मुझे, फिर ये कैसे क्यों कब कहाँ बता मुझे। बताऊं? बता दे नहीं तो जूती खेत के मारूंगी तुझे मैं। अच्छा 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 रुको मैं बताती हूँ। वो जिस दिन तुम्हारे कमरे से मैंने अपना फोन तुम्हारे तकिए के नीचे से उड़ाकर टेरेस ले गई थी ना, तब मोंटी गोल्डन ने मुझसे कहा था कि ठीक एक घंटे के बाद वो मेरे घर के सामने अपनी गाड़ी रोकेगा और मुझे देखकर वापस चले जाएगा। वो तो टाइम का पाबंद नहीं और मैं टाइम की बिल्कुल पाबंद। ठीक एक घंटे के बाद मैं टेरेस जाकर खड़ी हो गई। अचानक गली में मैंने झांका तो एक बाइक पर हमारे घर के बिल्कुल सामने गुलाम बशीर शेखी खड़े थे। बस एक पल होता है जो सारी जिंदगी पर पानी बहा देता है। सब कुछ बह गया उस एक पल में, मोंटी भी और मेरी टूटी फूटी मोहब्बत भी। हाँ
सवाल ये पैदा होता है कि वो बेगैरत मेरे घर के आगे अपनी स्कूटर क्यों खड़ी किए हुआ था। पता लगाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। जानते नहीं हो तुम लोग, मुझे भी बिल्कुल नहीं जानते हो। ले भाई सीप खा ली, तुझे मेरी जान की कसम है। बेगम साहिबा, ईमान से मेरा पेट भरा हुआ है। अरे विटामिन आएंगे बॉडी में, कुछ गोश्त चढ़ेगा, बिल्कुल खपच्ची सी है ली। शाबाश डॉक्टर साहिबा, एक हमें भी खिलाए ना। कंधारी सेब है 600 रुपए किलो वाले। निकम्मियों, काम तो तुम लोगों से कुछ होता है नहीं। वो खेपी बार बार फोन खड़काता है, कहता है कहाँ है किडनियाँ, कहाँ है किडनियाँ। अब इसने रास्ता दिखाया। वैसे एक किडनी तो इसकी भी हो जाएगी ना डॉक्टर साहिबा। इसकी बजाय तुम दोनों की किडनियाँ ना निकाल लूं। अच्छा तो भाई कल कितने लोग आ जाएंगे यहाँ पर ऑपरेशन के लिए? ताया बरकत, नन्नी बावली, जैतून की अम्मा, छम्मो और अंकल साम तो कन्फर्म है। नन्नी बावली तो बेगम साहिबा बिल्कुल पागल फकीरनी है। आप बेशक उसके दोनों गुर्दे निकाल लें, उसका कोई सहारा नहीं है। उसकी लाश की भी फिक्र मत कीजिएगा, राजदारी से ठिकाने लगा लेंगे। माशाल्लाह, ताया बरकत मेरे अब्बा के सगे ताया हैं। जवानी में उन्होंने अब्बा को बहुत तंग किया। अब कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, और मेरी कजिन सरवरी की छत पर पड़े रहते हैं। सरवरी का बस चले तो उनको ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक दे। बेगम साहिबा, उन्होंने जवानी में बहुत लोगों को दुख दिया। जैतून की अम्मा के सारे बच्चे बाहर चले गए, अब वो अपने छोटे बहनोई के साथ रहती हैं, और हर रमजान वो उनको जगह जगह लेकर घूमता है सदके खैरात के लिए। वो छोटी छम्मो मेरी यतीम भांजी है, उसका आप एक गुर्दा निकाल लीजिएगा और फिर उसको घर बुला लीजिएगा। काम में भी हाथ बटा देगी। और अंकल साहब गर्मियों में कोट पैंट और हैट पहन कर फिरते रहते हैं, वो शेट अप कहते हैं और कुछ भी नहीं। शेट अप। वो बिल्कुल बेसहारा है बाजी। वाह 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 भाई, तेरे स्क्रीन प्ले ने तो सैयद नूर का स्क्रीन प्ले याद दिला दिया। आहा, ये होती है कारकर्दगी। सुनो निकम्मियों, इसे कहते हैं कारकर्दगी। भाई कुटनी, तू एक बात सुन, 50 किडनियां पूरी होने पर तुझे 15,000, ऊपर से मैं कमीशन दे दूंगी। बेगम साहिबा, मैं तो ये काम फी सबीलिल्लाह कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा नूर है भाई तुम्हारे मुंह पे। इस खुशी में ये कंधारी सेब आपकी नजर करती हूँ। बिस्मिल्लाह, कुटनी कमाल है। बैठो बैठो, इजी हो जाओ। आपकी तो जिंदगी का उसूल रहा है, जब भी किसी बंदे पे हाथ डालो उसके मुलाजिमों को मुंह मांगे पैसे देके खरीद लो। मेरे पास भी एक ऐसी बिल्ली है, लेकिन उसका रंग स्याह है। स्याह बुरके वाली की स्याह बिल्ली। दिल स्याह होने से बेहतर है रंगत स्याह हो। तू क्या खलील रहमान कमर की स्टाइल में डायलॉग बाजी कर रही है? काम की बात करना। तो सुन, तुम जो पैसे गए थे ना, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए मैंने। हाँ, कल मैसेज आ गया था बैंक वालों से। कल कुल 5 लोगों की किडनियां निकलेंगी, ठीक है? ओ, खेपी के बंदे का पूछेंगे वहाँ, ये बता। वो तो मुझे मालूम नहीं। ये ले। अच्छा सुन, जैसे ही किडनियां निकले हैं मुझे कॉल कर दियो, मैं अपने बंदों के साथ पहुंच जाऊंगा। बड़े अरसे बाद दिल चाह रहा है कार्रवाई में हिस्सा लेने का। ए भाई
इतनी ज्यादा अच्छी दी हुई है इसने, पहले मिल जाती काश जिंदगी कुछ की कुछ हो जाती। डॉक्टर साहिबा, ये यतीम बेवा आपके हवासों पर बहुत ज्यादा नहीं छा गई है? ये तो कारकर्दगी तो देखो उसकी, जल कुकड़ी हो, निकम्मी हो। इतना जलना कूदना ना लोगों से ठीक नहीं होता, तुम लोग अपने आप को संभाल के रखा करो। बेगम साहिबा, वो ना है तुम्हारी, तू क्या यहाँ वहाँ आत्मा की तरह भटक रही है? बेगम साहिबा, ऑपरेशन थिएटर रेडी है, नन्नी बावली, ताया बरकत, छम्मो, जैतून की अम्मा और अंकल साम सब रेडी है। भाई मुझे तुझ पर फखर है और इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगा। इंशाल्लाह ताला लजीज। चलो भाई थिएटर चलो। बेगम साहिबा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है अकेले में। अच्छा चलो चलो, चलिए शाह भाई थिएटर में देखिए। हाँ बेगम साहिबा, बात यह है कि पहले आपको पप्पी गोल्डन ने उल्लू बनाया और अब खेपी बना रहा है। आपको पता है मार्केट में ये लोग किडनी कितने की बेचते हैं और आपको उसमें से कितना मिलता है? मूंगफली के दानों जितना। जस्ट अ मिनट। हाँ हेलो केपी, कर रही है ना आज ऑपरेशन? नहीं नहीं, आज नहीं हो सकता, तबीयत जो है ना वो जरा माइल है खराबी की तरफ और ब्लड में बड़ा प्रेशर शुरू हो गया है जिसकी वजह से हार्ट ठंडे हो रहे हैं, दिमाग बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है। अब नहीं, अभी नहीं हो सकता भाई, और गले से इतनी तकलीफ है, बोला भी नहीं जाऊंगी। बेगम साहिबा, अब बनेगा नया गिरुप आपका और मेरा। मैं ना इन दोनों की फारिग कर दूंगी ईमान से, मैं इनको देखती हूँ मेरा खून खोल जाता है। ऐसे एक बात कहनी है तुमसे मुझे। जी। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तो बड़ी देर से मिला है मुझे। देर आए दुरुस्त आए। आओ आज से हम दोनों पक्की सहेलियां। ऑपरेशन थिएटर रेडी है। ओहो, जैसी मैंने सोची थी, एक भी बूथा वैसा नहीं है इनमें। रॉन्ग हो गई इमेजिनेशन मेरी। बेगम साहिबा, चार गोलियों के बजाय 10 गोलियां घोल दी थी जूस में मैंने, देखे कैसे बेहोश पड़े। माशाल्लाह से तू हीरा है मेरी जान। चल ये ऐसे खड़ूस को इस पे स्टेशन पे लेटाओ, इसका सबसे पहले गुर्दा निकालेंगे। उठा लेगी, बाएं हाथ का खेल है बेगम साहिबा। ठीक है लाओ जल्दी से लाओ लाओ। अचानक से तबीयत में बहाली आ गई मेरी, मैंने कहा काम रुका पड़ा है तेरा, तू भी बेकार में परेशान होगा, काम अटका पड़ा हुआ है, तो मैं ऑपरेशन करने खड़ी हो गई। मैं फोन करने वाली थी तुझे, करने वाली थी, फोन बताओ ना। अबे लाइव किडनी निकालेगी आज तू, लाइव वीडियो भी बनाऊंगा मैं तेरी। अब क्या बात है तेरी भाई, मोतियों में तोल दूंगा मैं तेरे को, मुखबिर बन जा मेरी तू, सुरदानी में फिलेट भी लेके दूंगा तेरे को मैं।
आस्तीन की सांप, दो नंबर बिकाऊ। क्या बात है तेरी जवान की बची। हेलो भाई, उड़ा इसको अंकल को, लिड़ा इधर। 5 किडनियां निकालूंगा मैं आज, इधर निकलवाऊंगा। आज मैं यहाँ से 5 नहीं 7 किडनियां लेके जाऊंगा, 2 तेरी भी होंगी काने। मैं मार दूंगा। अबे मैं पहले मार दूंगा तेरे को। मैं मार दूंगा तेरे को, देख देख मैं खींच के भागूंगा। मार रहा हूँ, मार दूंगा, मार दूंगा। तू भी इधर देख, पकड़ा है। तुम जैसी प्राइवेट इंफॉर्मर पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगी। हथकड़ी पकड़ा मुझे। गोली चलाएंगे, गोली चलाएंगे। बड़ा हीरो बनता है ना तू। अभी गाने नजर आ रहे हैं तुझे? नजर आ रही है तुझे? आ रही है, आ रही है, आ रही है। इसको भी, इसको हाय हाय हाय, क्या करूं, दिल संभाला ना जाए। परवीन, अब हमारी होने वाली सास को थाने ले जाने का बंदोबस्त करो। अब बेफिक्र हो जाओ शमीम, परेशान नहीं होना, हम तुम्हें मच्छरों वाली कोठरी में बिल्कुल नहीं रखेंगे। पुरानी जान पहचान है, तुम्हें जानता हूं मैं, बहुत नाजुक मिजाज हो। हम तुम्हें खटमलों वाली कोठरी में रखेंगे और चक्की तो मैं तुम्हें अपनी निगरानी में पिसवाऊंगा, क्योंकि तुम्हें अपनी जान छुड़ाने की पुरानी आदत है। चलो परवीन, ले चलो इन्हें। पप्पी, अबे मैं मेरे पहले पेट निकल रहा है। मैं जब जेल में आता हूँ ना, मेरे पेट अंदर हो जाता है। 6 पैक बन जाते हैं, 6 पैक। अभी तेरा फैमिली पैक बनाता हूँ मैं। चल चल चलो चलो पप्पी, चलो आगे चलो इनको। शम्मो, चलो चलो तुम भी, चलो जल्दी करो। चलो बैठ, चलो मैं कहता हूँ, चलो 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 चलो। पकड़ भाई, पकड़ इसको। हाँ चलो 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 चलो। शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश शाबाश। फासला बहुत ज्यादा है, वरना मैं तुम्हें अपना कंधा जरूर पेश करता। वैसे काश ऐसा होता ना, जैसे किसी किसी स्कूल में लड़का लड़की साथ पढ़ते हैं, हमारी जेल में भी ऐसी होता। अब मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। अम्मी जी कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें मैं आंटी कहूँ। नहीं नहीं, चंचल के बारे में फिक्र नहीं करना, उसे तो मैं इतनी मोहब्बत दूंगा कि कम अज कम वो तुम्हें भूल जाए। चलो अब शाबाश, अपने होने वाले दामाद के सर पे हाथ रख के उसे दुआ दे दो। पानी में जाते हूँ। Same to you.